भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बेहतरीन मैच खेला जा रहा है जो कि सिडनी में है। आपको बता दें कि ये मैच सीरीज का डिसाइडर है। फिलहाल सीरीज में भारत 2-1 से आगे है, लेकिन सिडनी में ऐसा लग रहा है कि टीम इंडिया जीत को अपने शिकंजे में कस रही है। बड़ी बात यह है कि यहां पर फिलहाल रविंद्र जडेजा और ऋषभ पंत क्रीज पर हैं। टीम इंडिया का स्कोर 500 के पार पहुंच चुका है और ऋषभ पंत ने अपने करियर का दूसरा शतक जड़ दिया है। जी आपको बता दें कि फिलहाल 103 रन बनाकर नाबाद हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि भारतीय टीम को एक बड़ी बढ़त मिल चुकी है। दोनों के बीच 100 रन की साझेदारी भी जल्द ही होने वाली है। बड़ी बात यह है कि टीम इंडिया पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 303 रन बना चुकी थी, लेकिन उसके बाद दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा 193 पर आउट हुए। ऐसा लगा कि कौन से खिलाड़ी होगा जो भारत के स्कोर को आगे लेकर जाएगा, और यहीं से ऋषभ पंत ने अपने आप को ग्रूम किया और बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया। इसी के साथ वो पहले भारतीय विकेट कीपर बने हैं जो जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक जमाया है। जी हां, बता दें आपको कि ऋषभ पंत ने बेहतरीन पारी खेली है। अपनी पारी में उन्होंने 8 चौके जड़े हैं। अमूमन ऋषभ पंत इस तरह की पारी खेलते नहीं है, लेकिन अपनी पारी में सिर्फ 8 चौके जड़े हैं। संयम को बनाकर रखा हुआ था और एक बेहतरीन पारी ऋषभ पंत ने खेल दी है। फिलहाल भारत 150 ओवर खेल चुका है, 514 रन भारत का स्कोर हो चुका है। अब देखना होगा कि विराट कब डिक्लेयर करते हैं भारत की पारी को। चाय काल के बाद का सत्र शुरू हो चुका है, दूसरा दिन है, तीसरा सेशन है। देखना होगा कि भारत यहां पर कितने रन और बनाता है। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से अभिलाष पांडे की रिपोर्ट।